सिटीजन चार्टर क्या होता है? वेन एवर यू विल विजिट अ गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, यू विल फाइंड वन सिटीजन चार्टर. सिटीजन चार्टर इज वॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेंशंस, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज देयर मिशन, व्हाट सर्विसेज दे प्रोवाइड, इन व्हाट टाइम दे डिलीवर द सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग, दिस नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सर्विस और देयर डोमेन एरियाज दे प्रोवाइड इन टू द सिटीजन चार्टर. सो थ्रू दिस सिटीजन चार्टर सिटीजन्स गेट टू नो व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑफिस एंड व्हाट सर्विसेज दे आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड. ठीक है, सो ये होता है सिटीजन चार्टर. तो यू कैन ऑल्सो सी इन वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स. ठीक है, नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट, डेफिनेटली सिटीजन चार्टर मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है गवर्नेंस को सिटीजन फ्रेंडली करना. ठीक है, टू मेक गवर्नेंस सिटीजन फ्रेंडली एंड गुड बाय एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू इंफॉर्मेशन. सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उन्हें एम्पावर करना और उन्हें एम्पावर करके एक सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस क्रिएट करना, यही सिटीजन सिटीजन चार्टर मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव है. नाउ इंफॉर्मेशन, विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड, वी हैव ऑलरेडी सीन. सिटीजन चार्टर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स अबाउट व्हाट दे प्रोवाइड एंड व्हाट इज देयर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट? क्वालिटी, जो सिटीजन चार्टर मूवमेंट है, व्हाट दे वांट, सिटीजन चार्टर मूवमेंट सीक टू इंप्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ सर्विस. जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके क्वालिटी में इंप्रूवमेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं. सिटीजन चार्टर मूवमेंट एक्सपेक्ट्स इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स. सिटीजन चार्टर मूवमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट द चॉइसेस टू बी ऑफर्ड, मीन्स गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मल्टीपल वेरियस चॉइसेस वेर एवर पॉसिबल. ठीक है, देन थर्ड प्रिंसिपल इज स्टैंडर्ड. सिटीजन चार्टर मूवमेंट एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट सर्वेंट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड स्पेसिफाई वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम एंड हाउ टू एक्ट इफ दे हैव नॉट मेट द स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का सिटीजन चार्टर है, तो उस सिटीजन चार्टर में उन्होंने ये मेंशन करना चाहिए कि उन्होंने ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि सिटीजन्स उनसे क्या एक्सपेक्ट करें और सिटीजन्स क्या एक्शन ले सकते हैं अगर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट मेंटेन ना करे तो. ठीक है, वैल्यू, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट दैट गवर्नमेंट अथॉरिटीज शुड वैल्यू द टैक्स पेयर्स मनी. अकाउंटेबिलिटी इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल, वेयर इंडिविजुअल पब्लिक सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे आर अकाउंट दे शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स और टू द पीपल. ठीक है, देन ट्रांसपेरेंसी, एनी रूल्स, एनी प्रोसीजर और एनी प्रोग्राम द गवर्नमेंट सर्वेंट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट्स और रन एनी प्रोग्राम, देन देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस इन टू इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर इम्प्लीमेंटिंग सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम, सो इन दैट प्रोग्राम दे शुड मेंटेन दैट ट्रांसपेरेंसी सो दैट पीपल शुड गेट द कॉन्फिडेंस इन देम. लोगों को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आए, ट्रस्ट आए, इसके लिए वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है. सो सिटीजन चार्टर मूवमेंट एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी देयर. ठीक है, देन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड बेनिफिट्स ऑफ द सर्विसेज. जो भी रिसोर्सेस है गवर्नमेंट के, दे बिलोंग्स टू पीपल एंड दैट्स व्हाई दे शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स, क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट? सिटीजन चार्टर मूवमेंट के ये जो प्रिंसिपल्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? डेफिनेटली These principles are going to ensure transparency in the public service or governance. Governance में transparency is a very important and integral, and these principles ensure transparency. ठीक है, and then we know that transparency के क्या benefits है. Transparency के वजह से क्या होता है?
If there is a more transparency, then there will be more trust into the government organizations and authorities. Agar, if we know, if we as a citizen know that everything which the government department is doing is a transparent and open, then there will be no scope for any kind of doubt or a suspicious or a or any means what we say suspicions. Okay, so we will not have any kind of doubt on them, and we will have more confidence on them, and we will have more trust on them. So to ensure transparency, these principles are important. These principles also help to make administration accountable and citizen friendly. ये principles को अगर हम apply करते हैं, citizen charters के principle को अगर government authorities apply करते हैं, तो government जो है citizen friendly हो जाता है और administration accountable हो जाता है. उसके साथ साथ customer services improve भी हो जाते हैं, okay? And then it also keeps citizens at the center. ये जो भी principles हमने देखे, quality standards. Now why these principles are there? Because this is required for the public good, and while doing public good, citizens should be at the center. So these principles help to keep citizen at the center, because civil servants are accountable to whom? They are accountable to citizen. They are maintaining transparency for whom? For the citizen. They are doing any activity for whom? For the citizen. So definitely citizen should be at the center, because this all is going for the citizens. Okay, and this also provide a good governance. A good governance provide karta hai. And by redressal of the grievances, jo bhi citizens ke grievances hote hai, jo bhi citizens ke doubts hote hai, questions hote hai, complaints hote hai, unko address karna, unko address karne se governance jo hai wo citizen friendly ho jata hai. So these are the benefits of a citizen charter principles. Then there is a next question. Then there is a question 4b. Let's see question 4b. It is very interesting, and it was going on into news, and many of the articles were there in the recent times in the Hindu and other newspapers, Indian Express, etc. Because there was a controversy going on about the secrecy, confidentiality. Yes, the question is 4b. There is a view that Official Secrets Act is an obstacle to the implementation of Right to Information Act. Do you agree with the view? Discuss. Okay. So yehi bol rahe hai ki Official Secret Act aisa maan rahe hai filhal, ya phir is tarah se opinion hai ki bhai Official Secret Act jo hai वो राइट टू इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने के इसमें करने के लिए एक ऑब्स्टेकल बन चुका है. तो क्या आप इससे सहमत है? इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है. सो बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लेट्स एज्यूम दैट यू डू नॉट इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. सो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये कॉलोनियल इरा में एक बनाया हुआ लॉ है, जिसमें कुछ चीजें होती है. देर आर सम इश्यूज और देर आर सम मैटर्स विच नीड्स टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट, ओके, इन द गवर्नेंस. मोस्टली द इश्यूज आर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या नेशनल सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, दैट cannot be public, that cannot be made public, because they needs to be confidential and they needs to be kept secretly. Okay, but recently what is happening, that so Official Secret Act is all about maintaining secrecy and confidentiality in the governance. Now why there is a conflict? Because RTI seeks transparency. RTI is about making larger, making maximum information available at the public domain. This is RTI. And Official Secret Act is completely opposite to it. Official Secret Act seeks to maintain confidentiality and secrecy. Now, there has been often cited that authorities are using or refusing to make information available at the public domain
इन द नेम ऑफ दिस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऑथोरिटी से मांगो तो ये बोल के कि भाई दिस इज कॉन्फिडेंशियल एंड दिस इज सीक्रेट एंड एंड इट हैज इट परटेन्स टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू यू अंडर आरटीआई एक्ट। सो इन द नेम ऑफ दिस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑथोरिटीज आर रिफ्यूजिंग टू डाइवल्ज मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। नाउ दिस इज द इशू। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑब्स्टेकल है क्या आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन में? तो जितना अभी यहाँ पे हमने देखा उस हिसाब से तो लग रहा है कि भाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड आरटीआई देयर इन अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, क्योंकि आरटीआई के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन दैट इंफॉर्मेशन इज बीन केप्ट सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन द नेम ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। नाउ व्हाट सेकंड एआरसी रिपोर्ट सेज, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट जो था, दे हैव सजेस्टेड दैट द एक्ट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द चैप्टर इन द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर एक चैप्टर बना देना चाहिए जो सिक्योरिटी, नेशनल के सिक्योरिटी इश्यूज है उसके कंसर्न में कुछ सीक्रेट इश्यूज वहां पे उस चैप्टर के अंदर मेंशन किए जाएंगे, बट उसके लिए सेपरेट ऐसा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसा लॉ रखने की जरूरत नहीं है। दैट वॉज द व्यू सेकंड एआरसी होल्ड, बिकॉज इवन सेकंड एआरसी एग्रीड दैट दिस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज बिकमिंग अ कंटेंशियस इशू आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई। आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये कंटेंशियस इशू बन गया है, काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं, इस वजह से इसको एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एक छोटा सा चैप्टर बना के इसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि नाउ द इश्यू विथ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऑफिशियल सीक्रेट्स ये जो है ये क्या है, ये ऐसा डिफाइन नहीं है, देर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस एंड दैट्स वाई देन वेन समथिंग इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड देन देर इज अ स्कोप टू टेक अ ब्रॉड व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स अगर डिफाइन ही नहीं है तो अथॉरिटीज किसी भी चीज को ऑफिशियल सीक्रेट्स है ये बोल के उसको हाइड कर सकते हैं या फिर दे कैन डिनाई इट टू मेक इट पब्लिक एंड दैट्स वाई देन इट बिकम हर्डल इन टू द प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस। अगर हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस चाहिए, तो फिर इस तरह का सीक्रेसी और कॉन्फिडेंसी वाला जो कल्चर है वो एक हिंड्रेंस या फिर एक हर्डल बन जाता है ट्रांसपेरेंसी के पाथ में। दैट्स व्हाई देन पब्लिक सर्वेंट्स कैन डिनाई एनी इंफॉर्मेशन कॉलिंग इट सीक्रेट व्हेन दे आर आस्क्ड अंडर आरटीआई एक्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सेकंड एआरसी का ये व्यू है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वजह से एक सीक्रेसी का कल्चर बन चुका है और कॉन्फिडेंशियलिटी बिकम अ नॉर्म, कॉन्फिडेंशियलिटी बिकम अ नॉर्म एंड डिस्क्लोजर ऑफ द एनी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल करना ये काफी रेयर हो चुका है। मीन्स नॉट एवरी इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल इन टू द पब्लिक डोमेन इन वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस और इन वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन ओनली दे ऑथोरिटीज मेक इट पब्लिक। सो दिस इज द व्यू ऑफ द सेकंड एआरसी। देन देर इज वन अनादर कंटेंशियस इशू दैट इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 डील्स विद द पोटेंशियल ब्रीचेस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी विच इज ऑफन मिसयूज्ड। कि फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन है तो दिस सेक्शन है सेज दैट कि इफ दैट इंफॉर्मेशन हैव अ पोटेंशियल टू ब्रीच द नेशनल सिक्योरिटी इफ मेड इट ओपन और पब्लिक देन दैट शुड नॉट बी मेड इट पब्लिक। ओके, मतलब यही कि जो प्रोबेबिलिटी है कि कोई इंफॉर्मेशन है ये पर्टिकुलर इसको अगर हमने पब्लिक कर दिया तो इससे चांसेस है फ्यूचर में कि इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, तो इस तरह के पोटेंशियल जो है ब्रीचेस उसका भी काफी काफी बार मिसयूज हो जाता है। सेक्शन 22 क्या कहता है लेकिन इसके बारे में? नाउ अब यहाँ तक अगर हम देखते हैं सेक्शन 5 और ये बाकी की सारी चीजें, तो यहाँ तक तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी एंड इट ट्राइज टू मेंटेन और प्रोबेबली इंक्रीज द सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन द गवर्नेंस।
So till this, we can assume that this is a hurdle into the right to information act. But now हमें क्या पूछा गया है कि डू यू एग्री विथ दिस व्यू कि ये हर्डल है क्या. नाउ हमें इसके बाकी भी एस्पेक्ट देखना चाहिए, जैसे कि आरटीआई का जो सेक्शन 22 है वो आरटीआई को डिक्लेयर करता है कि आरटीआई विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. सेक्शन 22 ऑफ द आरटीआई एक्ट डिक्लेयर्ड दैट आरटीआई विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. ओके, सो दिस इज वन थिंग एंड दिस इज अनदर थिंग इज सेक्शन 24. सेक्शन 24 मैंडेट्स दैट इवन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन शुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑन द करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायोलेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्टली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर क्या है कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी मेंटेन सीक्रेटली एंड दैट शुड देयर शुड बी अ कॉन्फिडेंशियलिटी इन दैट. बट देन आरटीआई क्या बोल रहा है कि इवन इफ दैट इंफॉर्मेशन परटेन्स टू सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस बट इफ दैट इन्वॉल्व्स करप्शन और वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स देन दैट इंफॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी मेड पब्लिक. सो डेफिनेटली अगर हम सेक्शन 22 और सेक्शन 24 को रीड करते हैं सो दैट क्लियरली शोज दैट आरटीआई ट्रम्प्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ हिंड्रेंस इन इम्प्लीमेंटिंग आरटीआई. आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने में ये किसी भी तरह का हिंड्रेंस हो सकता है ऐसा थोड़ा बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आरटीआई को एक तो ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन अगर उसमें करप्शन या फिर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इन्वॉल्व है तो वो भी पब्लिक करना चाहिए, ये आरटीआई का सेक्शन 24 बोलता है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दिस बाय सेइंग दैट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड आरटीआई एक्ट पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी द सेंट्रल कंसर्न एंड शुड नॉट बी मिसयूज्ड इन द नेम ऑफ सीक्रेसी. सीक्रेसी के नाम पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मिसयूज नहीं करना चाहिए और हम कोई भी ये दोनों जो एक्ट है उनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करते वक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या आरटीआई हो दोनों में एक ही चीज का सेंट्रल कंसर्न होना चाहिए वो है पब्लिक इंटरेस्ट. कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में है इफ मेकिंग एनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल इफ इट इज गुड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट देन दैट शुड बी. बट इफ मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द पब्लिक डोमेन इज अ थ्रेट टू द पब्लिक इंटरेस्ट देन दैट शुड बी दैट कैन बी मेड रिमेन केप्ट सीक्रेट अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. बिकॉज ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी प्रोमोटेड, डेफिनेटली नो डाउट दैट ट्रांसपेरेंसी शुड बी प्रोमोटेड बट देन नेशनल सिक्योरिटी शुड ऑल्सो बी केप्ट इंटैक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5A. क्वेश्चन 5A, लेट्स रीड द क्वेश्चन 5A. क्वेश्चन 5A बोल रहा है कि यस दिस इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोबिटी इन द गवर्नेंस. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म सजेस्ट द मेजर्स फॉर एंश्योरिंग प्रोबिटी इन द गवर्नमेंट. प्रोबिटी इन गवर्नेंस से आप क्या समझते हो और आपके समझ के आधार पे आपको जो भी प्रोबिटी इन गवर्नेंस इसके बारे में जो भी आपको समझता है तो गवर्नेंस में प्रोबिटी एंश्योर करने के लिए क्या क्या मेजर्स किए जाने चाहिए ये आप सजेस्ट करो. सो प्रोबिटी इन गवर्नेंस जो है ये अपने सिलेबस का एक डायरेक्ट एक टॉपिक है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस. ठीक है, प्रोबिटी क्या है? प्रोबिटी इज इंडिकेशन ऑफ इथिकल बिहेवियर इन द पर्टिकुलर प्रोसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टू की एस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन. एक्शन कोई भी एक्शन हम करते हैं या सिविल सर्वेंट्स जो है सिविल सर्वेंट्स कोई भी एक्शन करते वक्त उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो उस एक्शन की प्रोसीजर और दूसरा होता है उसका आउटकम. जिसमें हम एंड्स एंड मींस एंड एंड्स ये जो महात्मा गांधी जी का जो कंसेप्ट है मींस एंड एंड्स वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ व्हाट महात्मा जी सेज दैट मींस शुड बी गुड एंड देन एंड विल बी डेफिनेटली गुड. मींस इफ यू फॉलो गुड मींस देन एंड विल बी ऑटोमेटिकली गुड. सो डेफिनेटली
मीन्स और एंड्स दोनों दोनों जस्ट होने चाहिए, बोथ शुड बी जस्ट एंड फेयर. मीन्स यू वन कैन नॉट जस्टिफाई बैड और रॉन्ग मीन्स फॉर द गुड एंड्स. कुछ अच्छे आउटकम्स के लिए रॉन्ग मीन्स को तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू गांधी जीज व्यू. सो एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज का, एक्शन का, और एक होता है उसका आउटकम. तो कभी कभी इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ यू फॉलो राइट प्रोसीजर दैट विल लीड टू राइट आउटकम. ओके, बट देन व्हाट इज प्रोबिटी इन द गवर्नेंस? प्रोबिटी इन द गवर्नेंस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम. आउटकम चाहे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, डेफिनेटली इफ यू फॉलो गुड मीन्स द एंड विल बी गुड. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एंड, द मीन्स यू आर एडॉप्टिंग दैट शुड बी गुड, दैट शुड बी राइट, दैट शुड बी इथिकल. सो प्रोबिटी फोकसेस ऑन द प्रोसेस, दैट द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग दैट शुड हैव दैट शुड एंटेल इंटीग्रिटी, अपराइटनेस एंड ऑनेस्टी. तुम्हारे प्रोसेस, जो भी प्रोसेस एक सिविल सर्वेंट फॉलो कर रहा है, उसमें उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अपराइटनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए. इट इज मोर देन सिंपली अवॉइडिंग डिसऑनेस्ट कंडक्ट. इट इन्वॉल्व अप्लाइंग पब्लिक सेक्टर वैल्यूज. जो पब्लिक सेक्टर के वैल्यूज है, जैसे बींग इम्पार्शियल, बींग अकाउंटेबल एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, ये जो पब्लिक सर्वेंट सेक्टर की जो वैल्यूज है उनको अपने प्रोसेस में अप्लाई करना. पब्लिक सर्वेंट शुड यूज दिस प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर और वैल्यूज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन देयर एक्शंस. ओके, बिकॉज द प्रोसेस शुड बी राइट, लाइक योर प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट. सो बिकॉज देन इफ योर प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, डेफिनेटली दैट विल प्रमोट अ गुड गवर्नेंस. सो प्रोबिटी इन गवर्नेंस इज टू एडॉप्ट प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर दैट एनहेंसेस एंड प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक गुड. ऐसे प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस पब्लिक सर्वेंट ने एडॉप्ट करना चाहिए जिससे पब्लिक इंटरेस्ट प्रमोट हो या पब्लिक गुड प्रमोट हो. ठीक है, ये होता है प्रोबिटी इन गवर्नेंस. अब गवर्नेंस में प्रोबिटी इंश्योर करने के लिए क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, व्हाट मेजर्स वी शुड टेक टू इंश्योर द प्रोबिटी इन द गवर्नेंस? सो वी शुड स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो हमें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए. सेकंड थिंग, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, वी शुड रिफॉर्म दैट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड वी शुड ब्रिंग सम चेंजेस. जैसे कि सेकंड एआरसी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए थे, जिसमें मेकिंग पब्लिक अथॉरिटीज लायबल टू पे डैमेजेस मेड बाय देम. बिकॉज व्हेन पब्लिक सर्वेंट इज मेड लायबल टू द डैमेज विच कॉज्ड बाय देयर एक्शन, देन दे विल नॉट टेक एनी एक्शन और डिसीजन हफजर्डली, रादर दे वुड गिव अटेंशन टू व्हाट दे आर डूइंग प्रॉपरली एंड दे विल फॉलो राइट प्रोसीजर. कोई भी काम करते वक्त उसको सही प्रोसीजर फॉलो करके ही पब्लिक सर्वेंट्स वो काम करेंगे, ताकि दे इंश्योर दैट नो देर इज नो डैमेज टू द पब्लिक इंटरेस्ट. किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज ना हो ये इंश्योर करने के लिए दे विल फॉलो राइट प्रोसीजर. वी कैन एडॉप्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स लाइक लोकपाल एंड दैट मस्ट सुपरवाइज गवर्नेंस विथ ओपन आइज. लोकपाल जो सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है, दे शुड कंटिन्यूसली सुपरवाइज द एक्शंस एंड बिहेवियर एंड द ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट टू एंश्योर दैट द प्रोसीजर्स दे आर फॉलोइंग आर गुड. मीन्स द प्रोबिटी इन देयर प्रोसीजर. देयर शुड बी अ यूज ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंसेस. सिंगल विंडो से क्या हो, सिंगल विंडो से मल्टीपल जो अथॉरिटीज है और हायरार्की जो है, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्क वो कम हो जाएगी. बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी जो है दैट प्रमोट्स करप्शन, दैट गिव्स स्कोप टू द करप्शन. इफ देर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड देर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ इन द हायरार्की टू टेक एक्शन, देन देर इज दिस प्रोसेस इटसेल्फ कॉम्प्लिकेटेड एंड सच कॉम्प्लिकेशन इन सच अ कॉम्प्लिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू टेक अ लाइसेंस फॉर ड्राइविंग एंड देन आई हैव टू फॉर दैट आई हैव इफ आई हैव टू गो फॉर 20 पीपल और 20 मल्टीपल अथॉरिटीज, देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू यू नो वन विल ट्राई टू ब्राइब वन पर्सन टू डू दिस इन अ इजी वे. सो सच कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली प्रोवाइड स्कोप टू द करप्शन एंड दैट्स वाई दैट शुड बी अवॉइड. ये जो प्रोसीजरल पूरा जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म है
that should not promote any kind of corrupt practice, because then that will be a threat to the probity in the governance. Use of ICT to promote transparency, information and communication जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हम ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर सकते हैं, उससे प्रोबिटी इन गवर्नेंस प्रमोट होगा. रिमूव, वी हैव टू रिमूव ऑल सच प्रोसीजर्स, लॉज एक्सेट्रा दैट प्रोवाइड स्कोप फॉर करप्शन. डेफिनेटली देयर आर सम प्रोसीजर्स इन द सिस्टम विच ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट प्रमोट द करप्शन और प्रोवाइड स्कोप फॉर द करप्शन, सो वी हैव टू रिमूव दैट फॉर द प्रोबिटी इन द गवर्नेंस. प्रोबिटी इन द गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन द गवर्नमेंट. अगर हमारे जो प्रोसीजर्स है वही ट्रांसपेरेंट और ओपन रहेंगे तो लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे और कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट पे रहेगा, एंड दैट्स व्हाई प्रोबिटी इन गवर्नेंस इज एसेंशियल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5B, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मोटिवेट वन सेल्फ. सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू. लेट सी द क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन 5B. इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू. डू यू एग्री विद दिस व्यू? इमोशनल इंटेलिजेंस ये एबिलिटी है कि आपके इमोशंस आपके लिए काम करे ना कि आपके खिलाफ और अगेंस्ट यू. तो क्या आप इससे एग्री हो? इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है. नाउ बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है वो समझे बिना हम ये समझ नहीं सकते कि ये क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करें. सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मोटिवेट वन सेल्फ, खुद को मोटिवेट करना. इवन एट द टाइम ऑफ फ्रस्ट्रेशन वी शुड परसिस्ट इन दैट फेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन. इट इज द एबिलिटी टू डिले द ग्रेटिफिकेशन. डिले द ग्रेटिफिकेशन मतलब किसी भी चीज, कोई भी चीज जो हमें अट्रैक्ट करती है उस अट्रैक्शन को कंट्रोल करना. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज वन फेवरेट, एक कोई फेवरेट एक्टर की मूवी आ गई है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो बट आपकी एग्जाम है, सो यू शुड बी एबल टू डिले दैट ग्रेटिफिकेशन. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रेगुलेटिंग वन मूड्स. अपना मूड को रेगुलेट करना मीन्स किसी भी समय पे गुस्सा है, किसी भी समय पे बहुत ज्यादा खुशी हो, तो दैट टेम्परामेंट शुड बी मेंटेन टू बैलेंस अवर इमोशंस. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड टू एम्पैथाइज एंड टू होप. इवन वेन यू आर फेसिंग अ हेवी ऑड्स, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यू शुड होप फॉर द गुड एंड यू शुड एम्पैथाइज, यू शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द अदर्स पीपल. सो बेसिकली ये सारे क्वालिटीज, ये सारी जो एबिलिटीज है, दीज आर एबिलिटीज आर इमोशनल इंटेलिजेंस, पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी एबल टू डिले द ग्रेटिफिकेशन. देर आर सम इमोशंस लाइक ओवर डोज ऑफ एंग्जाइटी. फॉर एग्जाम्पल, अभी कैसे इमोशंस अपने लिए काम कर सकते हैं, कैसे इमोशंस दूसरों के लिए या अपने अगेंस्ट काम कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, ओवर डोज ऑफ एंग्जाइटी, बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी होना, इससे डैमेजिंग इफेक्ट होता है. बिकॉज ओवर डोज ऑफ एंग्जाइटी क्रिएट्स फियर ऑफ फेल्यूअर एंड दस इट डिप्राइव इंडिविजुअल्स ऑफ अ नेसेसरी पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू डू द टास्क इन अ सुपर मैनर. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, लेट्स से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड यूर एग्जाम इज नियर एंड यू आर फीलिंग टू मच एंग्शियस अबाउट द एग्जामिनेशन. सो इन दैट सिचुएशन, इन द सिचुएशन ऑफ ओवरडोज ऑफ एंग्जाइटी, इट डेफिनेटली हैव अ डैमेजिंग इफेक्ट. बिकॉज इन द ओवरडोज ऑफ एंग्जाइटी वन विल यू विल बी नॉट एबल टू फोकस और टू कॉन्सेंट्रेट, एंड दैट्स वाई देन यू विल लैक दैट कॉन्सेंट्रेशन to do your study in a superb manner. You won't be able to do your to focus on your study, and that's why you will lack that ability to focus to do it in a superb manner. Okay, so in this situation, this our emotions jo bhi hai, anxiety that is acting against me, and that's why ab emotional intelligence kya hai, is tarah ke overdose of anxiety ko control mein rakhna
emotional intelligence is to be able to control such overdose of anxiety, to reduce such anxiety, and to focus on the task at the hand. Jo bhi task, if you are studying for the examination, then you should be able to control your anxiety, and then you should be able to focus on your study by keeping all such negative emotions or thoughts aside. So that is emotional intelligence. Okay, so emotionally intelligent person have a capacity to persist in a face of frustration. Even if he is facing such an anxious situation, he have ability to persist in that situation, and that's why they have high hopes about the eventual success. So even with facing heavy odds. Now, but if you lack the emotional intelligence, if you lack the emotional intelligence, then what happens? You start worrying about something, then you lost the hopes, then you do not able to bounce back and stand again, even if you fail. For example, you fail in the UPSC prelims or mains or anything, and if you lose all the hopes, then you will not be able to stand again. But what emotional intelligence is, even at the situation of frustration, you should remain firm and stick to your target. That is emotional intelligence. But now the one who lacks this, he will not be able to stand again and to stand again even at the time of failure. But now question kya bol raha hai ki emotional intelligence is the ability to make your emotions work for you instead against you. Now what I think is emotional intelligence should not be confined to you only. Okay, because now what I am just trying to give you another perspective of this emotional intelligence, because emotional intelligence में हमने ये भी देखा empathy. Empathy means what? Understanding others. दूसरों को समझना या virtually खुद को दूसरों के जगह पे रख के उनके सिचुएशन को बेटर समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड टू बी एबल टू वर्चुअली पुट अवर सेल्फ इन टू द अदर सिचुएशन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देम बेटर. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इट मे हैपन दैट वॉट इज गुड फॉर मी इट इज नॉट नेसेसरली गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल. ओके, सो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक सर्वेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पब्लिक सर्वेंट एंड प्रोबेबली वॉट आई फील गुड may not be necessarily good for the whole society, and that's why there may arise a conflict of interest. And in such a situation, what I am supposed to do, I am supposed to do what is best in the interest of the people and not what is good for me. Now the emotional intelligence is ability to understand what is good at that situation and what is right for the public interest, even if it is costing me at the personal level. So pursuing public good even at the some personal inconvenience is also one of the aspect of the emotional intelligence. So is situation mein kya ho raha hai ki mere emotions, because I am trying to understand other situation and I am trying to act in the favor of the public interest, and in such a situation it may happen that my interest is getting damaged, but then I will have to allow it to happen, because ultimate goal of the public service is to uphold the public interest. So this is the emotional association mein emotional intelligence kaam mein aata hai ki hum in cheezon ko judge kar pa rahe ki us situation mein sahi kya hai. Theek hai, so isiliye ho sakta hai ki aise situation mein our understanding the others concern may go against our private interest, but then our private interest is not ultimate, the public interest is ultimate. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन लेंगे, इसमें 6A और 6B लेंगे. ठीक है, ये quotations है और ये quotations को हमें now the important thing about these quotations is let's see the quotation. Every year there are some 2 or 3 quotations given in the paper, and quotations are basically, they are very broad in nature, but then we cannot write anything, or we are not supposed to write anything. See, this is unexamined life is not worth living. Now this is the quotation by Socrates. Now you can write anything here, because unexamined life is not worth living, so you can write any your personal example, everything. But then
we are writing a civil service paper, and then we are supposed to write something which is related to the public service. So at least in this answer, I will try to limit this quotation with the public service. So we have to relate this quotation with the public service. Okay. So ये कोड जो है सोक्रेटिस ने दिया है उसमें दिस इज अ क्वेस्ट ऑफ सोक्रेटिस फॉर द परफेक्शन. व्हाट सोक्रेटिस वांट टू से दैट पर्सन शुड टाइम टू टाइम एग्जामाइन हिमसेल्फ एंड शुड रिफ्लेक्ट. फर्स्ट ही शुड अंडरस्टैंड द कॉन्ट्राडिक्शंस इन हिज नेचर, हिज एक्शंस, हिज थॉट्स, एंड ही शुड ट्राई टू रिमूव दैट कॉन्ट्राडिक्शंस और दैट इनकोहरेंसेस इन हिज एक्शन, थिंकिंग एंड बिहेवियर, सो दैट ही कैन रिफाइन हिज पर्सनैलिटी, और वन कैन रिफाइन हिज पर्सनैलिटी फॉर द परफेक्शन, और ही शुड ऑलवेज सीक टू बी परफेक्ट. ओके. सो एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. इट मीन्स दैट वर्दी लाइफ इज पॉसिबल ओनली इफ वी कंटिन्यूअली रिफ्लेक्ट ऑन अवर थिंकिंग एंड रिमूव द कॉन्ट्राडिक्शन एंड इनकोहेरेंसेस इन इट. इसके हिसाब से, इस कोटेशन के हिसाब से वर्दी लाइफ वही होती है जिसमें हम हमेशा खुद को एग्जामाइन करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और जो हम चाहते, जो हम सोचते हैं, वो थिंकिंग हम अपने बिहेवियर में और अपने एक्शंस में रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस या इनकोहरेंसेस होते हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं. मीन्स देन वॉट यू थिंक एंड वॉट यू डू इफ दैट इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू इट, देन दैट इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड या फिर एक परफेक्शन. इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी सोचो और कुछ भी करो. वेन यू शुड थिंक गुड, यू शुड थिंक रैशनल, एंड देन यू शुड ट्राई टू बी रैशनल थ्रू योर एक्शंस एंड योर बिहेवियर. इट मीन्स यू दिस जर्नी ऑफ यू इन योर लाइफ शुड ऑलवेज बी अ क्वेस्ट फॉर अ परफेक्शन इन योर लाइफ, मे बी अ पब्लिक लाइफ, मे बी अ प्राइवेट लाइफ, बट दैट शुड बी अ क्वेस्ट फॉर अ परफेक्शन. बिकॉज एटलीस्ट इफ यू सी इंडिविजुअल लेवल पे तो दैट इज ओके, बट देन इफ यू कंसिडर अ सिविल सर्वेंट, नाउ सिविल सर्वेंट दे होल्ड द पावर ऑन द बिहाफ ऑफ, दे होल्ड द ऑथोरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, एंड दे आर सपोज टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. नाउ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ सिविल सर्वेंट डज नॉट इम्प्रूव हिज क्वालिटीज और एंड ट्राई टू बी अ परफेक्ट इन हिज एक्शन, अगर सिविल सर्वेंट ही उसके एक्शन में, उसके बिहेवियर में परफेक्शन लाने की कोशिश करेगा ही नहीं, एंड ही विल रिमेन इम्परफेक्ट, देन व्हाट विल हैपन, हिज एक्शंस विल नॉट बी एज गुड एज एक्सपेक्टेड, एंड दैट्स व्हाई दैट मे कॉज अ डैमेज टू द पब्लिक इंटरेस्ट, बिकॉज दिस इज नेसेसरी, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. एट पर्सनल लेवल व्हाट यू आर डूइंग दैट इज अल्टीमेटली योर लाइफ, बट देन एट पब्लिक लेवल यू आर डीलिंग विद द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, एंड दैट्स वाई यू शुड एग्जामाइन योर एक्शन, योर कंडक्ट, योर बिहेवियर इन एवरी स्टेप ऑफ योर ऑपरेशन, एंड यू शुड कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट वॉट इज गुड, वॉट इज रैशनल फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक गुड, एंड देन अकॉर्डिंगली यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेस और ऑपरेशन यू आर डूइंग. ओके. सो सिविल सर्वेंट्स they must remain upright in the while acting at the position of the public service. Public servant ke position pe act karte vakt they should remain upright and they should uphold the highest ethical standards. Means what? They should always try, they should always re-examine their life, and they should try to remain upright. Theek hai. They should continuously examine their working to ensure that they meet the public interest. Unhone whenever they take any decision or whenever they do any action, they should analyze those actions and they should examine those actions and try to remove the incoherences or inconsistencies in the public policy and the actions they are doing. So in this way they can seek to be a perfect decision maker. Now this is one part of the question, but then how it is not worthy when you don't examine your life. Okay. For example, here we will understand why it is not worthy when you do not examine. Let's say you are
head of a department, head of a department, and then government is now trying to renovate the office and introduce, government is trying to introduce use of information and communication technology, ICT, to improve the governance. Now you are being a senior and old person, you feel that you are not good at computers, so you are not excited or enthusiastic about these new changes in the governance. But basically improving governance is good for the public and good for all, and that's why you should, even if you don't have that enough knowledge about the computers or use of ICT, you should acquire that knowledge, because being a leader you must have to be a catalyst of the change, and you should not remain hurdle into such new changes, because change is the necessity. So then you should examine yourself, you should improve yourself, and then you should act in the best interest of the people. Because if you do not re-examine and improve your qualities, then you won't be, or you will not be, you will be no more relevant to the situation, and you will become outdated. And that's why then you will not be worthy to that position, and you are, and that's why we can say that the life is not worthy. Okay. And that's why unexamined life is not worth living, Socrates said, and that is really true. Next question is, this is the quotation by Mahatma Gandhi. The quotation goes as, let's see the quotation. Yes, 6b. Man is but a product. A man is but a product of his thoughts. What he thinks, he becomes. M.K. Gandhi. इस quotation में उन्होंने कहा है कि man is but a product of his thoughts. What he thinks, he becomes. Definitely, we in our personal lives also we know कि हम जो सोचते हैं, वही हम करते हैं और फिर वही हम बनते हैं. अब ये क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन ओपन और ब्रॉड होता है उतना डिफिकल्ट हो जाता है लिखना, क्योंकि उसमें फिर लिखे क्या. बट डेफिनेटली बिकॉज दिस इज अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वी विल ट्राई टू राइट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. एक एग्जांपल हम ऐसे पर्सनल लाइफ का लेंगे और एक एग्जांपल सिविल सर्विस का लेंगे. यस, नाउ दिस कोटेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट यू थिंक यू बिकम. हमेशा हम कोटेशन देखते हैं, मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट व्हाट यू थिंक यू बिकम. सो बेसिकली व्हाट वी कंटिन्यूअसली थिंक, दैट थॉट ड्राइव अस टू टेक एक्शन. ओके, एंड देन व्हाट एक्शन वी डू फ्रीक्वेंटली, वी बिकम मास्टर इन इट और वी आर नोन फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ टेनिस प्लेयर. सो व्हाट अ टेनिस प्लेयर विल डेफिनेटली नॉट थिंक ऑफ to be a topper in UPSC civil service, definitely he will always thought of being a better tennis player. Okay, so he a tennis player continuously think of becoming a good or best tennis player than he is right now, means he is seeking improvement in his performance. So that quest for the betterment, that will motivate him or that will motivate her to take action or to do more and more practice. Means this is the action. First he thought of what he want to do, means he thought of being better in his performance, and then he started practicing more and more, means this is the action which is definitely an outcome of what he have thought. Usne jo socha hai, us pehle socha tabhi to usne ye action mein laya. So he is doing more and more practice, and eventually definitely if he is doing good practice, more and more practicing, then he will certainly become a good tennis player. Okay, so now what he became a good tennis player, but that is not sudden, that is an outcome of what he thought, and then what he thought that drive that driven him to take more and more action and practices, and now he become a good tennis player. So definitely what he thought, he become. Let's take another example to understand it from civil service. For example, if a public servant is good,
a good public servant, he will always think of doing good. उसको हम वर्चुअस नेचर कहते हैं, वर्चु इथिक्स. वर्चु इथिक्स एक अपना टॉपिक है जिसके अंदर वर्चु इथिक्स मीन्स पर्सन डू समथिंग गुड बिकॉज ही थिंक दैट ही शुड डू गुड, नॉट बिकॉज दैट लॉ एनफोर्सेस हिम टू डू गुड. ऐसा नहीं कि लॉ बोल रहा है कि रूल्स या रेगुलेशन बोल रहे हैं कि तुम्हें ये करना ही चाहिए इस वजह से या इस फोर्स के अंडर वो कर रहा है समथिंग. दिस इज नॉट द केस. इसमें क्या हो रहा है, द पर्सन इज नेचुरली बाय डिफॉल्ट बिकॉज ही इज अ वर्चुअस पर्सन, ही ऑलवेज थिंक गुड एंड दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू डू गुड इन ऑल हिज एक्शंस. सो अ वर्चुअस पर्सन विल, उसके नेचर में ही होता है दैट ही विल ट्राई टू ब्रिंग इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी इन हिज एक्शंस टुवर्ड द पब्लिक गुड. सो सच कमिटमेंट टू द पब्लिक गुड विल मेक अ सिविल सर्वेंट अ वर्चुअस पब्लिक सर्वेंट, वर्चुअस और गुड पब्लिक सर्वेंट. एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए व्हाट गांधी जी हैव सेड इज अ वेरी रिलेवेंट टुडे बिकॉज टुडे द सिचुएशन इज ऑफ अ पावर असिमेट्री. पावर असिमेट्री मीन्स गवर्नमेंट होल्ड्स लॉट ऑफ पावर एंड सिटीजन्स होल्ड वेरी लेस. सो गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में जो पावर असिमेट्री है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जो डिस्क्रेशन है, ऐसे सिचुएशन में वर्चुअल सिविल सर्वेंट होना काफी जरूरी है क्योंकि बिकॉज लॉ कितना भी, नो मैटर हाउ गुड लॉ इज और हाउ परफेक्ट और हाउ बेस्ट लॉ इज, अंटिल एंड अनलेस द इम्प्लीमेंटर्स और एग्जीक्यूशन जो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है, दैट विल नॉट यील्ड गुड रिजल्ट्स. एंड दैट्स व्हाई द वर्चुअस सिविल सर्वेंट्स आर नेसेसरी एंड दैट कम्स फ्रॉम थॉट्स एंड देन कम्स from action and then the people become. So civil servant must be virtuous to ensure summum bonum. Summum bonum ye isko bolte ultimate goal of a public good. ठीक है. Now section A अपना हो गया है. Let's say section B.